नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निर्वाचन आयोग ने लिया महाराष्ट्र विधान परिषद में चुनाव का फैसला, विधान परिषद की 9 सीटों पर होगा चुनाव। IDMC ने जारी किया GIRD रिपोर्ट, भारत में अब तक का सबसे बड़ा पलायन। PCD का 11वां संस्करण जर्मनी और ब्रिटेन की अगुवाई में संपन्न, जलवायु परिवर्तन और कोविड पर रहा जोर। 3D प्रिंटिंग को लेकर विकसित देशों में उत्सुकता, विनिर्माण क्षेत्र में ला सकती है क्रांतिकारी परिवर्तन। और अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुनील चंद्रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के संदर्भ में समीक्षा किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव कराया जाना है जो 24 अप्रैल 2020 से रिक्त हैं। चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल 2020 को कोविड से उपजी परिस्थिति को ध्यान में रखकर अगले आदेश तक चुनाव स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत एक आदेश जारी किया था। आपको बताते चलें कि अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने 30 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की जानकारी देते हुए राज्य में रिक्त विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव कराने का आग्रह किया था। जवाब में चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया था कि स्थिति सही होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करते हुए चुनाव कराने पर विचार किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल 2020 को एक पत्र लिखा गया जिसमें बताया गया कि राज्य के मुखिया श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पद की शपथ लेने के लिए 6 महीने के भीतर यानी 27 मई 2020 तक उद्धव महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर आगे क्या होता है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी IDMC द्वारा जारी GIRD रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो आज तक का विश्व में सर्वाधिक विस्थापन है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 145 देशों में फैले करीब 33.4 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारत में 2.6 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जिसकी वजह भारत और बांग्लादेश में मानसून के कारण आई बाढ़ और फानी और बुलबुल जैसे चक्रवात हैं। आपको बता दें कि बीता वर्ष यानी 2019-1901 के बाद भारत के लिए एक गर्म वर्ष साबित हुआ। ऐसे में मानसून 25 वर्षों में सर्वाधिक रहा। इन कारणों से वर्ष 2019 में 8 उष्णकटिबंधीय विनाशकारी चक्रवात भी आए। हाल ही में भारत ने वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद VPCD यानी वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें संस्करण पर विचार किया गया। 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई, जिसमें लगभग 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। PCD का लक्ष्य मंत्रियों के मध्य घनिष्ठ और रचनात्मक संवाद, जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं के लिए मंच प्रदान करना है।
वर्तमान में इस संवाद का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 से लड़ रहे असहाय लोगों की सहायता करते हुए अर्थव्यवस्था और समाज में उत्पन्न चुनौतियों का सामूहिक सामना की रूपरेखा पर चर्चा करना था। भारत की ओर से इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील विश्व को तत्काल प्रभाव से $1 ट्रिलियन का अनुदान देने पर विचार करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल नए रोजगारों को सृजित करने पर बल देना चाहिए। गौरतलब है कि वर्ष 2009 के कोपेनहेगन जलवायु वार्ता के प्रभावी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के कारण जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की शुरुआत 2010 में की गई। इसकी मेजबानी वर्ष 2010 से ही जर्मनी द्वारा की जा रही है। वर्तमान सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में 3D प्रिंटिंग के बढ़ते प्रयोग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि यह तकनीकी विकास के स्तर पर इस तकनीक को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता विकसित देशों में है। विकसित देश 3D तकनीक का इस्तेमाल अंतरिक्ष क्षेत्र, खासकर एयरोस्पेस के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपकरणों के मरम्मत के लिए करना चाहते हैं। 3D तकनीक मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल 3D यानी कि 3-डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट का निर्माण करके डिजिटल स्वरूप से भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। जहां एक साधारण प्रिंटर में इंक और पन्नों की आवश्यकता होती है, वहीं 3D प्रिंटिंग में प्रिंट की जाने वाली वस्तु के आकार और रंग आदि का निर्धारण कर उसी अनुरूप में उसमें पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग अपने 3 नई खासियतों, खासकर कम समय, डिज़ाइन की स्वतंत्रता और कम कीमत के वजह से विनिर्माण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा रहा है। और अब आइए अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नज़र। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 2018 में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का कैश रहित मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, खासकर BPL कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत बेहद गंभीर बीमारियों को भी इलाज के लिए बीमा कवर में शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड इंश्योरेंस प्रोग्राम है। TS तिरुमूर्ति को UN में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। श्री तिरुमूर्ति वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कार्यस्थलों पर कर्मकारों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। इसे 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल 2020 को सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट यानी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सैन्य खर्च 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि के साथ 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वैश्विक GDP का 2.2% है। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। बीते वर्ष की तुलना में भारत का सैन्य खर्च 6.8% बढ़कर
71.1 बिलियन डॉलर हो गया। यह राशि भारत की जीडीपी का करीब 2.4% है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।